विश्वनाथ धाम लोकार्पण। महादेव की नगरी में उत्सव जैसा माहौल। संस्कृति विभाग ने निकाली शिव बारात शोभा यात्रा। अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में बनवाया था। इसके बाद विश्वनाथ धाम की परिकल्पना के लिए वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में हुई विजय शंखनाद रैली में ही सोमनाथ और काशी विश्वनाथ का जिक्र किया था, जिसे अब अमली जामा पहना दिया गया है। विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वयं देश के विभिन्न मठ मंदिरों के प्रधान पुजारियों के सानिध्य में करेंगे। इस अवसर पर महादेव की नगरी में उत्सव का माहौल है। इसी उत्सव के क्रम में शनिवार को मैदागिन चौराहे से संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित शिव बारात शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिव बारात की तरह ही भूतगढ़ पिशाच नाचते गाते देरसी पुल तक गए। इस संबंध में महामृत्युंजय शिव बारात समिति के कोषाध्यक्ष महेश चंद्र महेश्वरी ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ धाम का एक भव्य कार्यक्रम काशी में हो रहा है। इसी के क्रम में आज शिव बारात तो नहीं, हाँ, एक शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह शोभा यात्रा मैदागिन से होकर देरसी पुल तक जा रही है। इसमें संस्कृति विभाग जिला प्रशासन ने भी सहयोग किया है और राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की खुशी में निकाली गई है। वहीं दवा विक्रेता समिति वाराणसी के महामंत्री संजय सिंह ने बताया कि जो काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है वह अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। केंद्र सरकार ने जो बनाया है वह अब पूरे विश्व में ख्याति पा चुका है। ऐसे में हमने एक शिव बारात शोभा यात्रा का आयोजन भी किया है। हमारे संवाददाता दीपक चौबे की रिपोर्ट, वाराणसी, यूपी से।